हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डिले बिकॉज आई वाज लिटिल बिट बिजी। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो सारा कर लिया था। बस आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि 3.1 और 3.2 से है। आई थिंक यू विल फेस द प्रॉब्लम इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस ओनली दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। वी हैव 5 क्वेश्चंस, तो चलिए बेटा वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है क्या नहीं बोला हुआ। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। और एक बात ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके सीबीएसई 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को बता दूंगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन होगा या कुछ भी है, तो अपने वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है ना गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स कंसिस्ट 0 और 1 एज द एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। आपको बोला हुआ है कि 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, तो चलिए मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज आस्किंग दैट हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये लीजिए बेटा, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, टोटल 9 एलिमेंट आ सकते हैं, सही है ना। वो ये बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में आपको सिर्फ 0 और 1 ही इनपुट करना है, बाकी के एलिमेंट इनपुट नहीं करने। मतलब 9 के 9 एलिमेंट की जगह पर या तो 0 होगा या 1 होगा या दोनों होंगे, इसके अलावा अदर एलिमेंट आपको यूज नहीं करना। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए किस तरह से होगा बेटा, इस जगह पर 2 के 2 एलिमेंट आ सकते हैं, सही है ना, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। सिमिलरली यहां पर भी 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, यहां पर भी 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। तो इस तरह से बेटा आंसर होगा 2x2x2 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है वो है, जब 11th क्लास की वीडियो में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तब इसके लिए पूरा डिस्कस करूंगा मैं, जिसकी वो यूनिट वीक है तो वो वहां से देख सकेगा। ठीक है ना, तो मतलब बेटा आंसर आएगा 2^9=512। अब इसमें भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में सपोज ये पूछा होता कि सारे के सारे एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी जगह पर 0 आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी जगह पर 1 आ जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, टोटल तो बनेंगे 2^9, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर -2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब तब आंसर इसका कितना आएगा, देन आंसर विल बी 512-2, यानी कि आंसर कितना होगा 510। इस तरह से आप उसको फाइंड कर पाएंगे, इट इज क्लियर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बेटा 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर हमें क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x+3y=2340, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x+2y=2 -2 -1 and 5। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स x और y कैलकुलेट करना है। यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है ना, तो ये एक तरह से मैट्रिसेस है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैट्रिसेस जो होती है वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लिखी जाती है, तो यहां पर कैपिटल x और कैपिटल y कैपिटल अल्फाबेट्स में है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप सभी को पता है एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, यहां 2x है यहां 3x है, तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें करना चाहिए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x 9y इक्वल टू, अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको रूल बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उस 3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होगा, मतलब वैल्यू आएगी 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, 0 3 0, ये बन जाएगी बेटा क्वेश्चन। इसी तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो दिस बिकम 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, चलिए इसको 2 से कीजिए बेटा, 2 2 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 5 2 10। यहां आप देख सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो सेम बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी प्लस प्लस, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर 9y और दिस बिकम माइनस 4y, बिकॉज पॉजिटिव है, जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 9y माइनस 4y इट बिकम 5y। इसी तरह से यहां पर 6 माइनस 4 कितना होता है 2, यहां पर 9 माइनस माइनस प्लस 4 दिस बिकम 13, 12 एंड माइनस माइनस प्लस 2 दिस बिकम 14, एज वेल 0 माइनस 10 दिस बिकम माइनस 10। क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी वाई, तो वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 2/5, 13/5 एज वेल 14/5 एंड -10/5, ये वैल्यू आ जाएगी, सही है ना? तो ये y की वैल्यू आ चुकी है। इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ये y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा बेटा 2x प्लस 3 y के प्लेस पर ये सारी वैल्यू, तो मतलब कितना आएगा 2/5, 13/5, 14/5, इसी तरह से वो माइनस 2 है तो माइनस 2 आ जाएगा, सही है ना? माइनस 2 होगा बेटे, -10/5 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स दैट इज 2 3 4 एंड 0। क्लियर? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2x रिमेन सेम प्लस दिस बिकम 3 2 6/5, 13 3 39/5, 14 3 42/5 एज वेल -6 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2 3 4 0। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 2x रिमेन सेम इक्वल में क्या आएगा बेटा, इक्वल में मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो अपने यहां पे लिखेंगे 2 में से जैसे ही आप 6/5 माइनस करोगे तो दिस बिकम 2 - 6/5, सही है? 2 - 6/5 वैल्यू विल बी 5 2 10 - 6 दैट इज 4/5, तो यहां आएगा बेटा 4/5। सिमिलरली आप इसको माइनस करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, देखो 3 - 39/5, सो व्हाट इट विल बी, 5 3 15, 15 - 39 - 24/5, तो यहां पर आप लिखोगे -24/5। सिमिलरली 42/5 को माइनस करेंगे 4 में से तो ये बन जाएगा बेटा 4 - 42/5, इट इज 5 4 20, -22/5 आएगा यहां, सही है ना? सिमिलरली 0 + 6 दिस इज 6, ठीक है? और यहां से जब आप मैट्रिक्स x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जो 2 है
वो मल्टीप्लाई में था, सारी वैल्यूज के डिवाइड में आ जाएगा और जैसी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह से आपको इस मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0, इस तरह से एक मैट्रिसेस आपको गिवन है एंड प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, लेट ट्राई। देखिए अगर मुझे एफ एक्स की वैल्यू गिवन है दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, इस तरह से ये वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, हमें बोला हुआ है कि आपको एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ वाई से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर एक्स की जगह पर वाई पुट करना पड़ेगा। सही है ना, देखो यहां पे एफ एक्स था तो इधर एक्स आ रहा था। अगर मुझे एफ वाई कैलकुलेट करना है तो एफ वाई है तो मतलब मैं एक्स की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, आई हैव टू पुट वाई। तो मतलब वैल्यू क्या बनेगी, दिस बिकम कोस वाई माइनस साइन वाई 0, इसी तरह से यहां पर साइन वाई कोस वाई 0 0 0 एंड 1। आया समझ, इस तरह से आप वैल्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। ये बोलता है कि एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए अपने मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई इज इक्वल टू, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है मुझे इससे एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई का मतलब ये वाली सारी वैल्यू। तो आप लिखेंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1, इस तरह से ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब गाइस जिसने फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियोस देखी हैं उनको अच्छा सा पता है कि ये जो मल्टीप्लाई है वो अपने मैट्रिसेस का किस तरह से करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको इसी वीडियो में समझ आ पाए तो। देखिए मुझे इस मैट्रिसेस को इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको रूल बताया था कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम के नंबर और दूसरी मैट्रिक्स में रोज के नंबर सेम होने चाहिए। देखो यहां पर 3 कॉलम है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर 3 रोज है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेम है ये, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करना कैसे है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। तो अपने किस तरह से करेंगे, देखिए फर्स्ट रो दिस वन इज फर्स्ट कॉलम, सो कोस एक्स को कोस वाई से, ये लीजिए बेटा कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, इसी तरह से इसको साइन वाई के साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई। आगे जब आप करोगे 0 को 0 से तो वो 0 आना है, तो दिस वन इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझ गए। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कीजिए कॉस एक्स को माइनस साइन वाई के साथ माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली माइनस साइन एक्स को इसके साथ करोगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई एंड लास्ट एलिमेंट बिकम 0। सही है, फिर आप करोगे इसको इसके साथ, देखो 0 को इससे करेंगे 0, इसको इससे करोगे 0, 0 को 1 से करोगे 0, तो यहां पर वैल्यू आएगी बेटा 0।
इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, दिस बिकम साइन एक्स, सही है, कॉस वाई, अगेन इसको इसके साथ प्लस कोस एक्स साइन वाई, क्लियर, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन एक्स को इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड प्लस कोस एक्स कोस वाई, और ये वाला जो एलिमेंट बनेगा बेटा सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो जीरो, फिर ये जीरो बनेगा और वन को जीरो से करोगे दिस विल आल्सो जीरो, सो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसी तरह से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो यहां पर एलिमेंट बनेंगे बेटा जीरो जीरो वन। आया था, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, गौर कीजिए थोड़ा, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो किसका फॉर्मूला होता है ये, दिस इज ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, वेरी गुड, कॉस एक्स प्लस वाई, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं कॉस एक्स प्लस वाई, सही है बेटा। यहां से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का, सही है, सॉरी साइन एक्स प्लस वाई का, तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव कॉमन साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर, यहां जीरो है तो जीरो आएगा, समझ गए, ये भी फॉर्मूला है बेटा, देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, दिस इज ऑल्सो बिकम साइन एक्स प्लस वाई, और यहां से ये वाला कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई सेम ही वाला फॉर्मूला है, तो मतलब ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और जो अदर एलिमेंट्स है वो आपको पता है जीरो जीरो एंड वन। तो बेटा आप इस पे एक चीज नोट कीजिए, देखो जब यहां पर एक्स था मुझे वाई बनाना था, मैंने क्या किया इस एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको x प्लस वाई से रिप्लेस करता तो क्या यहां पर x प्लस वाई नहीं हो जाता क्या, तो ये ही फॉर्म यहां पर बन रही है, ठीक है ना, cos x प्लस वाई है फिर sin x प्लस वाई है, मतलब जहां जहां x था वहां पे x प्लस वाई आ रहा है, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम f ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, और यही वैल्यू हमें प्रूव कर रही है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है इस बार आपको 2020-21 में ये क्वेश्चन मिल जाए बोर्ड में, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 इज इट, ओके, चलिए यहां पर हमें बोला हुआ है a की वैल्यू 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2 एंड 0, ओके, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिस, यस एग्जैक्टली That is 1, 0, 0, 1. This one is identity matrix. Show that this equal to this. तो ये तो बेटा देखो बहुत इजी है, आई प्लस ए करना है, पहले मैं यही सॉल्व कर देता हूं, LHS. I प्लस ए, आपने इसको सॉल्व किया 1 plus 0, 1, 0 में इसको ऐड करोगे माइनस टेन अल्फा बाय 2, 0 में इसको ऐड करोगे टेन अल्फा बाय 2, 0 में 1 को ऐड करोगे 1, इतना ही सॉल्व हो सकता है बेटा ये, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये थोड़ी सी टिपिकल है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी हार्ड है, तो बी केयरफुल, और हो सके तो नोटबुक ले लीजिए साथ में, जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे करते जाइए, आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए लेट्स सी,
We want to find I minus A. We want to find I minus A. फिर उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा गिवन मैट्रिसेस के साथ, ठीक है ना। तो I माइनस ए का मतलब इसमें से इसको माइनस करना। देखो वन में से जीरो माइनस करोगे वन आएगा, जीरो में से इसको माइनस करोगे दिस बिकम टेन अल्फा बाय टू, इसमें से इसको माइनस करोगे दिस बिकम माइनस टेन अल्फा बाय टू, और इसको इससे करोगे तो दिस बिकम वन। सही है, चलिए आगे करते हैं बेटा। एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, वी वॉन्ट टू फाइंड आई माइनस ए एंड मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। सो आई माइनस ए की वैल्यू, इस मैट्रिसेस की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, दैट इज वन। अच्छा ये बताइए टेन अल्फा बाय टू को ऐसे लिख दूं क्या बेटा, साइन अल्फा बाय टू अपॉन कोस अल्फा बाय टू, सही है ना, क्योंकि ये भी सारा साइन कोस में है तो मल्टीप्लाई थोड़ा इजी हो जाएगा कॉमन वगैरह लेके। अच्छा यहां पर इसको लिख देता हूं माइनस साइन अल्फा बाय टू एज वेल अपॉन कोस अल्फा बाय टू, सिमिलरली वन रिमेन सेम है ना। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको तो मैंने चेंज किया ही नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। समझ आया, ठीक है चलिए आगे करते हैं। फिर अपने क्या करेंगे, ऐसे लिख सकता हूं बेटा वन बाय कोस अल्फा बाय टू तो निकल जाएगा कॉमन, यहां बच जाएगा कोस अल्फा बाय टू साइन अल्फा बाय टू माइनस साइन अल्फा बाय टू एंड कोस अल्फा बाय टू। सही है बेटा, इस मैट्रिसेस में मैंने 1 by cos alpha by 2 कॉमन निकाल दिया, क्लियर है। चलिए यहां पर ये जो मैट्रिसेस है वो एज इट इज cos alpha माइनस साइन alpha एंड cos alpha, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, चलिए कर देता हूं मैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ओवर cos alpha by 2, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेम वही पैटर्न फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस बिकम कोस अल्फा बाय टू एंड प्लस साइन अल्फा बाय टू है ना। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी बेटा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय टू एंड प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाय टू, ये बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां बनेगा बेटा कोस अल्फा नेगेटिव बाहर आ जाएगा यहां पे साइन अल्फा बाय टू, और इसको इससे साथ करोगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा बाय टू याद रहेगा। समझ आई बात, चलिए फिर इसको इसके साथ करता हूं, तो इसको इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन अल्फा बाय टू एज वेल प्लस कोस अल्फा बाय टू, तो ये मैट्रिक्स अपने पास बन जाएगी। और सभी को पता है ये फॉर्मूला किसका है, वन ओवर कोस अल्फा बाय टू एज इट इज, किसका फॉर्मूला है बेटा ये, दिस इज कोस ए माइनस बी, दैट्स वाई वी हैव टू राइट कोस ए माइनस बी। इसी तरह से यहां पे देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका है साइन ए माइनस बी का, और ए की वैल्यू अल्फा बाय टू है, तो मतलब यहां बन जाएगा साइन ए माइनस बी मतलब अल्फा बाय टू माइनस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जो वैल्यू है वो भी फॉर्मूला बन जाएगा, देखो नेगेटिव ऑफ दिस एंड दिस, तो ये बन जाएगा बेटा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय टू। इसी तरह से उधर वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये फिर फॉर्मूला बन गया कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, सही है ना। सॉल्व करके देखो इसको, देखो ये बन जाएगा कोस अल्फा बाय टू और कोस अल्फा बाय टू दोनों कैंसिल हो जाएंगे वन बचेगा। इसी तरह से
साइन अल्फा बाई टू में से ये बचेगा माइनस साइन अल्फा बाई टू और उसके अपॉन में कोस अल्फा बाई टू है, देन इट बिकम टेन अल्फा बाई टू, मतलब ओवरऑल मैट्रिक्स यही बनेगी, वन आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, यहां टेन अल्फा बाई टू आएगा और यहां पर वन आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका एक पैटर्न और है, अगर कोई बच्चा जिसको ये पैटर्न समझ में आया तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका दूसरा मेथड जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो देखिए। देखिए बेटा, अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड ऑन टू टाइप्स ऑफ ब्रांड्स एट 5% एंड 7% इंटरेस्ट पर एनम। इफ टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज 2,000 फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू टाइप ऑफ ब्रांड्स ऑल्सो। अच्छा देखिए, सपोज वी हैव टू ब्रांड्स, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी, ठीक है ना। उसने बोला हुआ है कि 30,000 का जो अमाउंट था मुझे इन दो टाइप के ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे नहीं पता कितना कितना इन्वेस्ट किया, तो मैं लेट कर लेता हूं कि इसमें सपोज एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर दिए और इसमें कितने हो जाएंगे, फिर इट बिकम 30,000 माइनस एक्स रुपीज, सही है। तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स प्रॉपर्टी देखो, ये पहला ब्रांड, ये दूसरा ब्रांड, ठीक है। अच्छा, इस पर मिलता है 5% और इस पर मिलता है 7%, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको अगर मुझे 5 से इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो जो दूसरी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी वो इस तरह से लेनी पड़ेगी बेटा, 5/100 एंड 7/100, बिकॉज आपको पता है कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अच्छा, इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आ जाएगा कितना है टोटल इंटरेस्ट, दैट इज 2000, तो यहां आ जाएगा 2000। वो बच्चे जो ओनली 2000 लिखेंगे दैट इज रॉन्ग, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 1:1 की मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, बिकॉज ये वाली मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2:1 की, और ये सॉरी ये कितने ऑर्डर की है, 1:2 की, और ये कितने ऑर्डर की है, दैट इज 2:1, तो अपने पास यहां पे कितना आ जाएगा, 1:1 आएगा, सही है ना, तो ये रहा 1:1 ऑर्डर का। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों मैट्रिसेस को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है यहां पे, तो एक्स को इससे करेंगे तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 7/100, ये मैट्रिक्स बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, और इक्वल में कितना है, इक्वल में है 2000। इस तरह से आगे क्या करोगे, चलिए सॉल्व करो बेटा इसको, 5x/100 और ये माइनस 7x/100, दिस बिकम माइनस 2x/100, और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा प्लस 7/21/100 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 2000, ठीक है। अच्छा, ये भी 1:1 की है, ये भी 1:1 की है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो मतलब मैं इसको इसके इक्वल रख के इक्वेशन बना सकता हूं, क्या आ जाएगा, माइनस 2x/100 प्लस 2100 इक्वल टू 2000, यहां से बेटा वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x, ये उधर माइनस होगा तो माइनस 100 बचेगा और ये बच जाएगा माइनस 10,000, ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 5000, समझ आई बेटा बात। तो ये तो हो गया पहले ब्रांड में, दूसरे ब्रांड में कितना हो जाएगा, 25,000, क्लियर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसी तरह के दो क्वेश्चन आपकी बुक में और हैं, आप उनको भी करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, आई विल डिस्क्राइब यू।
तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने 3.1 और 3.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है। होप आप सब इसको कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑपरेशंस, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसको अपने बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।